वेलकम टू आवर ब्लॉग। ऐसा है फ्रेंड्स की ना दो तीन दिन पहले ना मेरी बेटी को ना रात को सही सोई और सुबह उठ के देखा तो उसकी आंखों के नीचे किसी कीड़े ने काट लिया। एकदम लाली पड़ी हुई थी, ऐसी यहाँ से लेकिन यहाँ तक सूजन था। मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ अपने मोबाइल में, आपको यकीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर क्लोज करके देखें तो ये देख रहे हैं मेरी बेटी की आंखें कैसी सूजी पड़ी हैं। तो हमें हमारे पेरेंट्स ने बताया है, जैसे मेरे पापा का दवाइयों का काम है और मेरे भैया का भी, तो मुझे भी नॉलेज है, मैंने भी केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ तो मुझे भी नॉलेज है कि अगर कोई कीड़ा काट जाए या कोई दवाई एलर्जी कर जाए, रिएक्शन कर जाए, तो डॉक्टर बताते हैं तुरंत उसको सिट्राजिन दे दूँ। तो सिट्राजिन दे दी मैंने और एक दर्द का वो सिरप पिला दिया, फिर भी उसका सूजन नहीं गया। तो दो तीन दिन हो गए, मैंने कहा दो तीन दिन नॉर्मल होता है, दो से तीन दिन में कोई भी सूजन या रेडिशनेस चली जाती, तो वो गई नहीं। तो मैं क्या हुआ कि ना मैं डॉक्टर के पास गई, एम केयर हॉस्पिटल, और उन्होंने मुझे बच्चे को चेकअप करके ये बताया, एक दवाई लिखी है, वो दवाई मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि अगर बच्चे को कीड़ा काट जाए तो क्या करना चाहिए। आंखों के नीचे अगर बच्चे को कीड़ा काट जाए या कोई सडनली कुछ भी काट जाए और आपको पता नहीं है कि क्या काटा और रेडिशनेस हो गई, तो कौन सी दवाई से प्रिस्क्राइब करें, कौन सी दवाई दें। तो सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे ये वाली दवाई लिखी है, तीन दिन के लिए कोर्स है, सिर्फ तीन दवाइयाँ लेनी है। सबसे पहले एलिडिड और कुछ नहीं, सिट्राजिन है, ये आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एलिडिड ऊपर लिखा है सिट्राजिन, इसका सॉल्ट सिट्राजिन है, तो इन्होंने भी कुछ नई दवाई नहीं दी, सिट्राजिन। दूसरा है पैरासीटामोल, ये दर्द की दवाई है, आइबुजेसिक नाम है इसका फ्रेंड्स, आइबुजेसिक। इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है पैरासीटामोल, यानी बुखार और दर्द के लिए ये बच्चों को दी जाती है, तो ये देनी है। और तीसरी जो दवाई उन्होंने मुझे लिखी है, ये एक ऑइंटमेंट है जो उसकी लाली काटने के लिए होती है, जो यहाँ आंखों के नीचे जो लाली हो गई थी ना उसे काटने के लिए, न्यूरोस्पोरिन, ये बैक्टीरिया, ये इस तरह की एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, आप देख लीजिए पास से, इसका नाम है न्यूरोस्पोरिन। इसमें कई सारे पायरिमिडॉक्सिन है, नियोमाइसिन है, ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, अगर बच्चे को वहाँ कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है, वहाँ किसी कीड़े ने काटा है, वो बैक्टीरिया छोड़ गया है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ बैक्टीरिया बार बार ग्रो कर रहा है, तो उस कारण से हो सकता है आपकी बच्चे की लाली नहीं कट रही है। तो उसे डॉक्टर ने बोला कि ये जो दवाई है इसे तीन टाइम लगाना है, न्यूरोस्पोरिन, इस दवाई का नाम है न्यूरोस्पोरिन, इसे तीन टाइम उस जहाँ पे लाली है उस लाली को काटने के लिए लगाना है, और 2.5 ml तीन दिन के लिए दो बार देनी है, सिट्राजिन दिन में दो बार देनी है 2.5 ml। और जो ये है दर्द की दवाई है, दर्द और बुखार की दवाई है, इसका नाम है आइबोजेसिक, आइबोप्रोफिन के नाम से भी आती है, इसे देना है दिन में तीन बार 4-4 ml। आप देख सकते हैं, अब आपको पर्ची दिखा दूँ, जो सिट्राजिन है एलिडिड है ये लिखा है 2.5 ml दो बार, और जो ये दर्द और बुखार का है ये तीन बार देना है और 4-4 ml देना है, और ये जो ऑइंटमेंट है ये दिन में तीन बार लगानी है, यानी सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में नाश्ते के बाद और रात को, यानी 3 times आप लगा सकते हैं आराम से, और 3 days में आपको फर्क हो जाएगा, आपकी जो बच्चे की लाली है वो कट जाएगी, जो कीड़े का निशान है जिसके कारण जो सूजन लाली वगैरह वो सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही, आप देखिएगा फर्क लग जाएगा, और फिर भी ना लगे तो आप डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है ना, तो फ्रेंड्स ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।